हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से जो भी जो LSC का काम चल रहा है 10th और 12th का, तो उसमें जो बच्चे हमारे डायरेक्ट एडमिशन्स वाले बच्चे हैं, चाहे वो एसेंशियल रिपीटर्स हों या हमको कोई ट्रांसफ़र केसेस हमारे स्कूल में आए हों, तो उनकी परमिशन हमें किस प्रकार से लेनी है, उसके लिए मैं जल्दी से आपको एक छोटा आपके लिए बना रहा हूँ, जिससे कि आप देख सकें किस प्रकार से हमको परमिशन के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि जो मेथड हमने अपने स्कूल में अप्लाई किया है वो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल में जाकर CBSE सर्च करेंगे, और CBSE सर्च करने के बाद, वैसे तो डायरेक्ट आप परीक्षा संघ में जा सकते हैं पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। तो आप CBSE जब साइट में जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, परीक्षा संगम में आप जाएंगे और परीक्षा संगम में हम कंटिन्यू करके फिर यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है, स्कूल्स, हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस। इसमें हमको स्कूल्स में जाना है। स्कूल्स में जाने के बाद हम, क्योंकि हमको जो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे वो हरकारा साइट से भेजेंगे, तो इसलिए कम्युनिकेशन वाली साइट में हम देखिए, इसको दोबारा मैं आपको बता दूँ कि जो कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम है इसमें हम क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करते ही देखिए आपको हरकारा एक साइट यहाँ पर खुल गई है, ऑप्शन खुल गया, इसको हम क्लिक करेंगे। और इसको क्लिक करने के बाद देखिए ऑप्शन आ जाएंगे, तो इसमें ऑलरेडी एफिलेटेड स्कूल जो है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ क्लिक करते ही फिर हमको इसमें क्या होगा कि अपने क्रेडेंशियल्स डालने पड़ेंगे, जो आपके रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो क्रेडेंशियल्स डाले थे तो उसको हम डालकर जो है सिक्योरिटी पिन हमारा वो भी डाल लेते हैं। और इसके बाद जैसे आपको लॉगिन करना सबको आता है, इस प्रकार से हम लॉगिन करने के बाद उस साइट में चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि आपका सबसे पहले जो है यहाँ पर स्कूल कोड दिखाएगा, एफिलेशन नंबर दिखाएगा और स्कूल नेम दिखाएगा। इसका मतलब आपको, तो आपको क्या करना है इसमें, मैं आपको डायरेक्ट जल्दी से बता दूँ कि आपको यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट जो रिक्वेस्ट एड्रेस टू लिखा है इसमें अपने रीजनल ऑफिस का नाम लिखना है। जैसे हमारा रीजनल ऑफिस जो है देहरादून है, तो इसको हम यहाँ पर RO देहरादून जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट किसके रिलेटेड है, डायरेक्ट एडमिशन्स के हैं, तो यहाँ पर हम जाके डायरेक्ट एडमिशन्स में चले जाएंगे। तो देखिए रिक्वेस्ट रिलेटेड टू, इसमें हम डायरेक्ट एडमिशन लिख दिया। यहाँ पर जो भी आपको रिक्वेस्ट करनी है, कि जैसे कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे वहाँ इतने बच्चे एसेंशियल रिपीटर्स हैं जिनको नए दोबारा एडमिशन लेना है, तो उनकी परमिशन देने की कृपा करें। इस प्रकार से आप चाहे किसी भी बायलिंगुअल हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके कोई ऐसे केस हैं जो ट्रांसफ़र केसेस हैं तो उनको भी आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। और उसके बाद रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय में देखिए यहाँ पर जो है आपके प्रिंसिपल सर का नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद उनका मोबाइल नंबर और उनका डेजिग्नेशन, ये आपको मालूम ही है कि प्रिंसिपल डेजिग्नेशन उसके थ्रू आप, क्योंकि स्कूल का एक प्रिंसिपल सर ही होते हैं, तो इसलिए आप प्रिंसिपल सर के थ्रू आप इसमें रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। अब यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, चूज़ फाइल। यहाँ पर आपको फ़ाइल चूज़ करनी है जो आपने बच्चों की जो डिटेल बनाई है, तो जो हमने अपने स्कूल्स में जो डिटेल बनाई थी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से हमने डिटेल बनाई थी, कि नेम, फादर्स नेम और रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसमें आप जितने ही बच्चे आपके हैं उस प्रकार से आप उनके नाम लिखकर और उनके बोर्ड के रोल नंबर जो जिसमें उन्होंने रिपीट किया था वो लिखकर और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ लिख दीजिए, और आप फिर उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इन बच्चों को एनरोल करने की परमिशन दीजिए। ये क्योंकि ये तो एसेंशियल रिपीट्स का हो गया। अगर आपको चाहते हो कि ऐसे बच्चे जो क्या कहते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन वाले हैं, ट्रांसफ़र केसेस हैं, तो उसमें भी आप क्या, उनके पास भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो उनके नाम भी इस तरीके से और उनका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आप इसमें लिखकर आप उनको मेल, सॉरी उनको इस फाइल को, इस PDF को आप क्या इसमें अटैच कर सकते हो। तो आप जब ये इसको आप अटैच कर लोगे इस फाइल को, तो फिर आप इसको जो है सेंड रिक्वेस्ट पर जाकर इसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। और उसके बाद कि आपकी रिक्वेस्ट पे क्या हुआ है, मतलब वहाँ से काम हुआ नहीं हुआ है, अगर आपको ये देखना है कि आपको जो अप्रूवल के लिए कि आपकी जो रिक्वेस्ट एंटरटेन की गई है कि नहीं की गई है, तो उसके लिए देखिए न्यू रिक्वेस्ट है जिसके बगल में ऑल रिक्वेस्ट है, तो आप ऑल रिक्वेस्ट पे जा सकते हैं और ऑल रिक्वेस्ट पे जो है आपको पता लग जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्नॉलेज कर ली गई नहीं कर ली गई। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, जो हमने रिक्वेस्ट भेजी थी उसमें लिखा है यहाँ पर क्लोज्ड और व्यू रिप्लाई, तो आप व्यू रिप्लाई देख लीजिए कि आपकी जो आपने अप्रूवल मांगी थी वो अप्रूवल आई है कि नहीं आई है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है,
तो इतना में आप करके आप अपनी जो रिक्वेस्ट है अप्रूवल के लिए आर ओ ऑफिस भेज सकते हैं। आई होप कि जो मैंने आपको ये जानकारी दी है ये आपके समझ में आ गई होगी और आप अपना जो रिक्वेस्ट है उसको भेज सकते हैं। अगर जो नेक्स्ट वीडियो मैं अभी बनाने वाला हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से जो बच्चे जो हमको अप्रूवल मिल गया है जिन बच्चों का, तो उनको हम किस प्रकार से LOC में ऐड कर सकते हैं, या जो बच्चे हमारे स्कूल से जा चुके हैं वो उनको किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। तो जितना भी हमको अब LOC पे काम करना है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी बातें जो है ये जो वीडियो आपको अगर लग रहा है कि नॉलेजेबल है और उसका कंटेंट आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ वो आप पर डायरेक्ट पहुँच जाए। थैंक यू।